मीन राशि वालों का आज का राशिफल यानी कि 11 मार्च 2020 का राशिफल। तो जय श्री राम दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं 11 मार्च के पंचांग के बारे में। आज तिथि है द्वितीया, नक्षत्र है हस्त, पक्ष है कृष्ण पक्ष और दिन है बुधवार। आज के दिन सूर्योदय हो रहा है 6:34 में और सूर्यास्त है 6:27 में। चंद्रोदय है 8:23 PM में और चंद्रास्त है 7:49 AM में। ऋतु है वसंत और आज का दिन काल है 11:52:32 का। महीना है चैत्र और आज आपके लिए शुभ समय नहीं है। अशुभ समय शुरू होता है दोपहर के 12:07 से 12:55 तक। राहु काल शुरू होता है 12:31 से दोपहर के 2 बजे तक। दिशाशूल है उत्तर दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब हम जानेंगे आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। और इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन के भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और अनोखा टोटका है यानी कि अचूक उपाय है, तो आप उसे भी देखें और फॉलो करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मीन राशि वालों, सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज के दिन अपने मन से आपको नफरत को दूर करना होगा, क्योंकि अगर आपके मन में नफरत, ईर्ष्या, जलन और ऐसी ही निगेटिव बातें रहती है तो आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। इसके बाद है आपका धन संपत्ति। दोस्तों, पैसों के लिहाज से भी आपका समय सामान्य ही रहने वाला है। आज के दिन अगर अपने काम काज में आप पैसों का निवेश करते हैं तो पैसों का निवेश आपके लिए फलदायी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप निवेश करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा वहां रुक जाए और फिर यह आपके लिए समस्या का मुख्य कारण बन सकता है। इस बात को आज आप ध्यान में रखें। इसके बाद है आपका पारिवारिक जीवन। दोस्तों, आज के दिन अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप सबसे पहले अपने परिवार में ध्यान दें, अपने घर वालों के जरूरतों पर ध्यान दें। इससे आपके घर परिवार का माहौल शानदार हो जाएगा और परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आता है आपका प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मिलते हो तो आपका प्रेम संबंध रोमांचक होगा। इसके बाद आता है आपका कार्य क्षेत्र। दोस्तों, कार्य क्षेत्र के लिहाज से आपका समय सामान्य रहने वाला है। अगर अपने काम काज में आज के दिन आप कोई लापरवाही करते हैं तो वह लापरवाही आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब रहेगा और आपके काम काज को खराब कर देगा। इस बात को आज के दिन आप याद रखें। आज आपके लिए शुभ रंग है लाल और मैरून। शुभ अंक है आपके लिए 5 यानी कि 5। और अब जानते हैं कि आज के दिन आप किस उपाय को फॉलो करेंगे तो आपका समय बेहतर होगा। दोस्तों, उपाय ये है कि आज के दिन आपको स्नान ध्यान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आप जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। तो अगर आपसे ये उपाय पॉसिबल हो पाए तो आप उपाय करें, आपका समय शानदार रहेगा।